भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे बड़ा मामला ये सामने आया कि भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की का आदेश बेंगलुरु की एक कोर्ट ने दे दिया। ये क्या पूरा मामला है, क्या आदेश आया और किस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति अभी तक हुई है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने म्यूजिक कॉपीराइट मामले में कार्रवाई करते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश MRT म्यूजिक द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया है। आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पेश किए गए सबूतों के बाद भी अगर साउंड रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग को प्रोत्साहित किया गया तो वादी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसे बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस पर आरोप है कि उसने KGF चैप्टर 2 के गीत का इस्तेमाल कर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया। आपने देखा होगा कई शो रील के दौरान, कई YouTube रील, Facebook की रील, इन तमाम जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा के कई वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, इनमें बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक चलता है। कॉपीराइट एक बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है। ये बात सिर्फ YouTube, Facebook पर आपके वीडियो ऑडियो ब्लॉक होने तक सीमित नहीं है, इस पर कानूनी कार्रवाई होती है तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको विस्तार से एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कॉपीराइट का मामला कितना महत्वपूर्ण होता है। इस रिपोर्ट में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला इतना गंभीर क्यों बना। अदालत के आदेश के बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। इससे समझ में आएगा कि आपको किस तरह की राजनीति भी इसमें देखने को मिल रही है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर भी मिल रहा है, लिहाजा भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल ब्लॉक होना ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और एक झटका भी कहा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के अन्य कई सोशल मीडिया हैंडल हैं, राहुल गांधी खुद अपने हैंडल से चीज़ों को ट्वीट करते हैं, लेकिन बाकायदा एक डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल जो वेरीफाइड है भारत जोड़ो यात्रा का वो बनाया गया था। इसको ब्लॉक करने के लिए अब हाईकोर्ट का आदेश आया है। बेंगलुरु की अदालत द्वारा दिए गए आदेश को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। बेंगलुरु की कोर्ट द्वारा कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर पार्टी ने कहा है कि उसे अभी आदेश की प्रतिलिपि नहीं मिली है, यहाँ तक कि उसे कोर्ट की इस कार्यवाही की भी जानकारी सोशल मीडिया से ही मिली है। कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ सोशल मीडिया में दी जा रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि वो इस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती देने समेत सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि हमने सोशल मीडिया पर INC और BJYSM हैंडल के, यानी भारत जोड़ो यात्रा हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही में न तो को अवगत कराया गया, न ही उपस्थित किया गया, साथ ही आदेश की कोई प्रति भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। हम इस संबंध में सभी कानूनी उपायों का अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट के प्रतिकूल आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही से न तो अवगत कराया गया और न ही तलब किया गया, आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस मामले में, जैसा कि हमने आपको बताया कि उच्च अदालत में जा सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, तो अन्य कानूनी उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है ज़रा इसको भी आपको समझा देते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोस बनाए गए। इनमें कांग्रेस ने सुपरस्टार यश की फिल्म KGF के म्यूजिक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से KGF चैप्टर 2 फेम MRT म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई कि हमारा म्यूजिक था, हमसे बिना पूछे इसको इस्तेमाल कर लिया गया। MRT म्यूजिक की शिकायत के आधार पर यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई। इसमें राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के नाम भी लिखे गए। शिकायत में क्या दावा किया गया था वो भी आपको बता देते हैं। म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं उसमें उन्होंने फिल्मों के, जिस फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है उसके कॉपीराइट उनके पास है। हालांकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से MRT म्यूजिक की अनुमति लाइसेंस नहीं मांगा गया था। अब किन किन धाराओं के तहत ये FIR दर्ज हुई थी वो भी आपको बता देते हैं। पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403, यानी संपत्ति का बेनामी की बेईमानी से हेराफेरी करना, 465 यानी जालसाजी के लिए सज़ा, 120 धारा, 403, 465 और 120 BRW, धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम और 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यानी बहुत सारी धाराएं लगाई गई थी इसमें। वकील ने क्या क्या बातें कही थी वो भी आपको बता देते ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इसको इतना गंभीरता से लिया गया। यूँ तो म्यूजिक राइट कॉपीराइट का उल्लंघन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय आमतौर पर बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा जैसी बड़ी यात्रा निकल रही हो जिसके अपने राजनीतिक मायने भी हों, वहाँ पर इस तरह का उल्लंघन होता है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या MRT म्यूजिक को सचमुच में कांग्रेस की इस यात्रा से या
म्यूजिक इस्तेमाल करने से इतनी आपत्ति थी, क्या इसके पीछे कोई और हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर अभी गूंज रहे हैं। मामले में MRT म्यूजिक की ओर से एम नवीन कुमार ने कहा कि जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में हमारी मर्जी के खिलाफ KGF के गाने का इस्तेमाल होते देखा तो हम हैरान रह गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बिना परमिशन हमारे गाने का इस्तेमाल किया है। INC जैसी संस्था को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही कानून तोड़ दिया। ये बात सही भी है कि कॉपीराइट का उल्लंघन बेशक ये कितना गंभीर दिखाई देता हो, नहीं दिखाई देता हो, बड़ा मामला दिखता हो, नहीं दिखता हो, लेकिन इसके बावजूद कॉपीराइट उल्लंघन है, ये कानून को तोड़ने जैसा है। लिहाजा MRT म्यूजिक के पास पूरा अधिकार था कि वो शिकायत लेकर जाते हैं। लेकिन ये जब मामला आया है तो एक ऐसे समय पर आया है जबकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, फिर इसमें राजनीति भी अपने आप आ ही जाती है क्योंकि राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल कर रहा है। एक चूक तो हुई है, हमने आपको पहले भी रिपोर्ट बताई थी कि जब आप बड़ी यात्राएं निकालते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो बहुत ही आपको सोच समझ कर एक एक कदम उठाना पड़ता है, चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो चूक से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या ये इतनी गंभीर चूक थी कि इसके ऊपर इतनी बड़ी कानूनी कार्यवाही होती और उसके बाद में इस मामले को इतनी गंभीरता से उठाया जाता, ये तो खैर सोचने विचारने की बात है। आप भी इसमें अपनी राय ज़रूर रखें कि आपको क्या लगता है। जो कोर्ट ने तो कानून के आधार पर अपनी सारी बातों को रखा है जो बहुत लाजमी और वाजिब दिखाई देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या MRT म्यूजिक ने जो इस मुद्दे को उठाया वो आपको इतना गंभीर लगता है या इसके पीछे कोई राजनीति भी आपको दिखाई देती है। इस पर आप अपनी राय जरूर रखें, आपके कमेंट, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता, जनस्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स, बस उद्योग के श्रमिकों, कुटीर उद्योग चलाने वालों और खानाबदोश जनजाति के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। आज यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। महाराष्ट्र सियासी घमासान का एक रण बना हुआ है। इस सब के बीच में गुजरात और हिमाचल के चुनाव भी चल रहे हैं। इन दोनों चुनाव में राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत उम्मीदें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दोनों राज्यों में कि राहुल गांधी की सभाएं होंगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का कद, राहुल गांधी की इमेज इस यात्रा की वजह से काफ़ी बड़ी है। अब जब इस तरह का ये एक ऐसा मामला आया, पहला मामला जिसमें कांग्रेस घिरती दिखाई दे रही। कई बार अलग अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास BJP की तरफ से किया गया, लेकिन कई बार वो मामले उल्टे पड़ गए। ये कॉपीराइट का मामला बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक संस्था नहीं, एक म्यूज़िक कॉपीराइट को लेने वाली संस्था है MRT म्यूज़िक, जिनका ये दावा है कि उनकी मर्जी के बिना, उनसे अनुमति लिए बिना, उनसे लाइसेंस लिए बिना उनके म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कार्यवाही होगी। कांग्रेस का कहना है हमें कोई जानकारी इसके बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं मिली है, सोशल मीडिया से, रिपोर्ट से ही हमको पता लग रहा है, हम उच्च अदालत में जाने और अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।